और देखिए आज का दिन मुंबई के लिए सामान्य सा था, लेकिन सूरज के चढ़ने के साथ ही एक ऐसी खबर पुलिस के पास आई जिस पर एक बार फिर से यकीन कर पाना आसान नहीं था। वो खबर थी होटल के एक रूम से एक सांसद की लाश मिलने की खबर। होटल के कमरे में पंखे से लटकी हुई सांसद की लाश मिली और इसके बाद चारों तरफ सनसनी फैल गई। सांसद के कमरे से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है जिसमें 40 लोगों के नाम शामिल हैं। देखिए रिपोर्ट। मुंबई का मरीन ड्राइव, होटल ग्रीन साउथ। पांचवें फ्लोर के कमरे का दरवाजा तोड़ा गया, अंदर जो कुछ दिखाई दिया उसने सभी के होश उड़ा दिए। कमरे में पंखे से एक लाश लटकी थी। लाश देखकर होटल के कर्मचारियों के होश उड़ गए। पुलिस को सूचना दी गई। खाकी ने तहकीकात की तो वो भी सन्न रह गई, क्योंकि लाश एक लोकसभा सांसद की थी। लाश दादर और नागर हवेली से लोकसभा सांसद मोहन डेलकर की है। मामला सांसद का था। पुलिस तुरंत हरकत में आई, कमरे को सील कर दिया गया। आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ की जाने लगी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट को भी बुलाया गया, कमरे की तलाशी ली गई। पुलिस के हाथ लगा एक सुसाइड नोट जो गुजराती भाषा में लिखा हुआ था। मुंबई में आज दोपहर उस वक्त सनसनी फैल गई जब दादरा नगर हवेली के सांसद मोहन ढेलकर का शव इसी सी ग्रीन साउथ होटल की पांचवी मंजिल पर पाया गया। बताया जाता है कि इसी जो होटल के पांचवें फ्लोर पर मोहन डेलकर यहां पर रह रहे थे और उनका शव वहां पर पंखे से लटका हुआ वहां पर पाया गया। बताया ये जाता है प्राथमिक तौर पर कि ये सुसाइड ही है, और वहां पर एक सुसाइड नोट भी मिला है जो सुसाइड नोट गुजराती भाषा में है, और फिलहाल जो सुसाइड नोट है उसे मुंबई पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। ये आत्महत्या है या कोई साजिश, पुलिस अभी कुछ भी कहने से बच रही है। सुसाइड नोट के बारे में भी मुंह नहीं खोल रही है। मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन के हद में आज दोपहर को एक होटल में लोकसभा के सम्माननीय सदस्य मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहन संजीवाई देलकर इनका मृतदेह मिला है। पुलिस जांच कर रही है। घटनास्थल पे सुसाइड नोट मिला है, ये सुसाइड होने का शक्यता है। 29 साल की उम्र में पहली बार सांसद बनने वाले मोहन डेलकर 1989 में पहली बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। उसके बाद से वो लगातार दादर और नागर हवेली सीट से जीतकर संसद पहुंच रहे थे। सांसद मोहन डेलकर की मौत की खबर मिलते ही उनके करीबी होटल पहुंचना शुरू हो गए। क्या सांसद ने सुसाइड किया या कोई साजिश? अगर खुदकुशी की तो उसके पीछे की वजह क्या है? हम बहुत टेंशन में नहीं बात कर सकते, हमारे खास है ये। आप हमारे मोहन डेलकर जी के बारे में जानो, 7 दम से सांसद है हमारे ट्राइबल एरिया के, आप थोड़ा जानो। आपको क्या लगता है क्या वजह हो सकती है? नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, मैं अभी आया मालूम। इन सवालों का जवाब फिलहाल अब तक नहीं मिल सका है। सांसद की मौत मिस्ट्री तब खुलेगी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, जब पुलिस की तफ्तीश पूरी होगी। विनोद जगदाले, मुंबई न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कॉन्ट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।